आज मंत्रिपरिषद ने 9 मामले में निर्णय लिए हैं। मानसून, बाढ़ और सूखा और अल्पवृष्टि इस वर्ष के अंदेशों को देख के मंत्रिपरिषद ने आकस्मिक फसल योजना अंतर्गत बीज वितरण के लिए 50 करोड़ रुपए के लागत से योजना का कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति दी है। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बैठक बुलाई गई। इन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे। कुल 9 एजेंडों पर नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगाई, जिसकी जानकारी देते हुए बिहार कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुन। आज मंत्रिपरिषद ने 9 मामले में निर्णय लिए हैं। मानसून, बाढ़ और सूखा और अल्पवृष्टि इस वर्ष के अंदेशों को देख कर मंत्रिपरिषद ने आकस्मिक फसल योजना अंतर्गत बीज वितरण के लिए 50 करोड़ रुपए के लागत से योजना का कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत जो आकस्मिक फसल है उसमें धान प्रमाणित है, मक्का संकर है, अरहर है, उड़द है, तोरिया है, सरसों आगात है, मटर आगात है, भिंडी है, मूली है, कुलथी है, मड़ुआ है, सांबा है, कोदो है, ज्वार है और बसी है। तो करीब 41,082 क्विंटल ये बीज है और 50 करोड़ लागत से यह आकस्मिक फसल योजना जो है ये चालू की गई। बिहार में आपको जानकारी होगा कि बहुत सारे आरा मिल कार्यरत हैं और कुछ पुराने आरा मिल भी कार्यरत हैं और कारण आरा मिलों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार ने बिहार कास्ट उद्योग आधारित मिलों की संख्या में परिवर्तन किया है और साथ ही साथ इसके स्वीकृति के प्रक्रिया में भी परिवर्तन किया है। तो ये दो चीज़ में संशोधन हुआ है। ₹3,400 आरा मिल और 450 कंपोजिट यूनिट का निर्धारण किया है और इसकी 5 वर्ष की मान्यता रहेगी। तो यह एक निर्णय लिया गया है। एक मैं आपको एग्जैक्टली डिटेल बता देता हूँ। हाँ, 3,400 आपका कंपोजिट यूनिट है और 3,400 से बढ़ा के 3,400 हो गया है और कंपोजिट यूनिट कास्ट आधारित उद्योगों की संख्या 450 और इसमें एक कमेटी भी बनाई गई है जो स्वीकृति करेगी। हाँ, अंकेशन निदेशालय में 12 पद, कुल 6 पदों का सृजन की स्वीकृति दी है। 6 पद ये ऑडिट में या फाइनेंशियल सर्विसेज के, फिर सैप में जो कार्यरत हैं 3,566 हैं, उसमें जो इंक्रीज मतलब एक साल के लिए उनका अनुबंध इंक्रीज हुआ है 2023-24 के लिए। माननीय उच्च न्यायालय में एक पद उप निबंधक अनुवाद का सृजित हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय में जो 77 पद वेतन स्तर 2 के जमादार में उत्क्रमित करने का निर्णय लिया राज्य सरकार ने। माननीय उच्च न्यायालय में 27 पद चालकों का सृजन किया है। अरवल जिला अंतर्गत करपी अंचल में डिग्री महाविद्यालय स्थापना हेतु शिक्षा विभाग को 5.01 एकड़ भूमि स्थानांतरण किया गया है। राज्य सरकार में 2 बैंक कार्यरत हैं। ये राज्य सरकार जिसका अंश है, एक तो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है और दूसरा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है। तो 2 बैंक में पूंजी निवेश का प्रस्ताव था। भारत सरकार का अंश है 50%, बिहार सरकार का 15% है और जो स्पॉन्सरिंग बैंक है, स्पॉन्सरिंग बैंक का मतलब है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में PNB है, पंजाब नेशनल बैंक है, और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में सेंट्रल बैंक है। तो 2 बैंक स्पॉन्सरिंग बैंक है। तो राज्य सरकार का जो पूंजी निवेश है वो 84 करोड़ 86 लाख का होता है और कुल पूंजी निवेश है 5,565
जैसे स्पॉन्सरिंग बैंक 198, तो पूंजी निवेश का प्रस्ताव था जिसमें 84,87,00,000 का पूंजी निवेश और ये BCF से निकासी का प्रावधान है। तो आपने सुना साफ तौर से अलग अलग विभागों से कुल 9 एजेंडों पर आज नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगाई है। कई पदों के स्वीकृति के साथ साथ कई पदों के लिए जो है वो विस्तारित करने की भी बात कही जा रही है और कुल 9 एजेंडों पर नीतीश कैबिनेट ने आज मुहर लगाया है। बड़ा इस खबर पर सताएं, अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।